तो गाइज आज मैं जा रहा हूँ गुंडूला। गुंडूला में हमारा कुछ DI पाइप का काम चल रहा है, तो मैं उधर ही जा रहा हूँ और देखते हैं कि अभी कितना काम हो गया है और कितना बाकी है DI का। और ये गुंडूला जो साइड है ना, ये पूरा पहाड़ी के बीच में है, पूरे पहाड़ के बीच में है गुंडूला साइड। तो हम लोग चल रहे हैं गुंडूला, और रास्ते में ऐसा ऐसा पहाड़ आएगा ना, ऐसा भयंकर भयंकर पहाड़ आएगा कि देखेंगे आप लोग। और पूरा पहाड़ के बीच में पड़ता है गुंडूला, ये लगभग सिटी से पकड़ लीजिए 50 किलोमीटर दूर होगा। जो हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी काम कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर होगा मिनिमम, कम से कम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गुंडूला और मिलते हैं फिर गुंडूला में ही। तो गाइज मैं अभी गुंडूला आ गया हूँ, और गुंडूला में आने के बाद जहाँ पे हमारा काम चल रहा है हम लोगों का, वहाँ पे का क्या ये है माउंट का पहाड़ का ये है, सो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये पूरा देखिए पहाड़, ये पूरा गुंडूला पहाड़ है, और इसी पहाड़ के बीच में हम लोगों का काम आगे में चल रहा है, इस रोड में आगे चल रहा है। ये नया मिट्टी दिख रहा है ना, इधर से पाइप डालते डालते गया हुआ है, आगे में चल रहा है मशीन। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ का पहाड़ सब। ये पूरा पहाड़ है देखिए माउंट किस तरीके का पहाड़ है, और इस पहाड़ के अंदर में लोग घर बनाए हुआ है, इस पहाड़ के अंदर में लोग घर बनाए हुआ है और लोग रह रहा है इस पहाड़ के अंदर में। देखिए माउंट किस तरीके से है। और उधर देखिए वाइट कलर का दिख रहा है ना, उधर वो मकान है, अंदर में एक वाइट कलर का दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा दिखाता हूँ, वो बीच में एक वाइट कलर का दिखेगा, थोड़ा जूम करते हैं। ये देखिए ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो मकान है जो वाइट कलर का दिख रहा है, वो पूरा मकान है। तो ऐसे ऐसे लोग जंगल में बसे हुए हैं, और ये पूरा पहाड़ी है, और पूरा पहाड़ी इसी तरीके का है। देखिए पूरा का पूरा माउंट है, ये पूरा पूरा का पूरा माउंट एरिया है, ये इस तरीके का पूरा पहाड़ी है, इस तरीके से पूरा ये पहाड़ है। और ये हम लोगों का DI पाइप है, यही DI पाइप है, इसी पाइप को हम लोग लिंक कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं साइड के पास और देखते हैं कि साइड के पास क्या काम हो रहा है, कैसे हो। गाइस फाइनली मैं साइड के पास पहुंचने वाला हूं, और अपन चल रहे हैं साइड के पास जहां पे काम हो रहा है, और देखते हैं वहां पे क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। अभी आपको JCB का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, वो एक्सेवेटर है मिट्टी खोदने के लिए, क्योंकि पाइप को हम लोग 1 मीटर नीचे डालते हैं, तो उसका साउंड आ रहा है। तो अभी हम लोग साइड के पास पहुंचने वाले हैं, वो थोड़ा सा आगे है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे होगा, इसलिए तो उधर ही चल रहे हैं और देखते हैं कि कितना काम हो गया है और कितना बाकी है। और ये पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, या पूरा जंगल ही जंगल है यार, ये पूरा उड़ीसा में एक यही खास बात है कि हरियाली बहुत है, हरा पत्ता बहुत, पेड़ पौधा बहुत है, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, पहाड़ ज़्यादा है, क्योंकि पूरा आदिवासी है, और आदिवासी लोग इसी में रहता है ना, पहाड़ में, इसलिए आदिवासी लोग ज़्यादा है। तो मैं अभी साइट के पास लगभग पहुंच गया हूं, साइट के पास। और ये देखिए ये हमारी बाइक लगी हुई है, ये देखिए ये हमारी बाइक लगी हुई है। तो अभी अपन चलते हैं साइट के पास और देखते हैं साइट के पास क्या काम हो रहा है। ये सामने JCB दिख रहा होगा आपको, ये JCB है। गाइज मैं साइट के पास पहुंच गया हूँ, और यहाँ पे JCB चल रहा है, JCB चल रहा है, और ये पाइप डाला हुआ है अंदर में, गड्ढा के अंदर में ये पाइप डाल रहा है आदमी लोग इस तरीके से। और ये JCB है,
जो मिट्टी का एक्सकवेशन कर रहा है, और ये कुछ लेबर है जो इधर में पाइप को लिंक कर रहा है, पाइप को लिंक कर रहा है, और ये जैसे भी है। तो इसी तरीके से पाइप होते हुए पाइप डालते हुए हम लोग जाते हैं। बहुत लंबा एरिया है। तो यही हमारा साइट था इधर का, और यहाँ पे एक्सकवेटर चल रहा है और उधर में लेबर लोग काम कर रहे हैं। तो गाइज मैं साइट आ गया, विजिट भी कर लिया, सब चीज़ देख लिया, काम भी बढ़िया से चल रहा है, और मैं भी आगे देख सुन लिया। अभी शाम के 4:30 लगभग हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 5:30 बजे तक अभी रुकूँगा, क्योंकि ये डामर रोड है। तो डामर रोड में दिक्कत नहीं है, गाड़ी वाड़ी ख़राब होने का या पंचर होने का खतरा नहीं है। जो कच्चा रोड रहता है वहाँ खतरा रहता है, तो हम लोग 5 बजे तक निकल जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा लेट तक मैं रुकेंगे, क्योंकि हमारा काम भी बहुत लेट से ही आज शुरू हुआ है, तो थोड़ा लेट तक रुकेंगे, क्योंकि डामर रोड है निकल जाएंगे। और यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर हम लोग का गेस्ट हाउस है, तो वहाँ जाना है। तो लगभग 5:30-6 बजे भी निकला तो आसानी से पहुँच जाऊँगा 1 घंटे में, दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं चलती है ना, क्योंकि ये विलेज है छोटा छोटा, 20 घर का 30 घर का 10 घर का इस तरीके का विलेज है। तो यही था आज का हमारा साइट विजिट। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और सपोर्ट करो भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लोकेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए भाई।